कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का एक आईएमपी पेपर बताने वाला हूं जो कि आज आपका परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, 100% इसी में से चांस रहेंगे 50 से 60 नंबर के फंसने के, पूरा निचोड़ है इस सेट में। चलिए तो देखते हैं। यदि कोई भी एपी है हमारी 10-7-4, इसका 10वां पद कौन सा है? देखो, 10वां पद के लिए सबसे पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो ए का मान तो गया 10, डी का मान क्या होगा? 7 में से 10 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। अब इतना तो ठीक है, यहां पर आगे बढ़े तो 10वां पद के लिए सूत्र बनेगा हमारा a+9d। यदि वो 12वां बोलता तो a+11d बनता। तो यहां पर a का मान 10 हो गया, 9 ऐसा कैसा, d का मान -3, 9 + 27 में से 10 घट जाएगा, -17 उत्तर आ जाएगा। एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो, जब दोनों चीजें बराबर होती है यानी कि मान एक आएगा, तो एक आएगा तो 10^45 का मान एक होता है। ठीक है भैया, चलिए। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों का आयतन 64:27 है। देखो, आयतन जो होता है ना वो घन में चलता है, घन है ना घात 3 में। घात 3 का यदि मूल बात करें इसकी 64 की तो 4 आएगा, 27 का बात करेंगे तो 3 आएगा। अब पूछ का क्या रहा है आगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम है ना घात 2 में लिख सकते हैं, घात लिखते क्या, लिखना ही पड़ेगा। और घात 2 का मतलब होता है कि 4 की घात 2 यानी कि 16 और 3 का हो जाएगा 9। समझ में आ रहा? तो हाँ करो। ये जो फॉर्मूला है ये आपका माध्य का फॉर्मूला है। इसके बाद में यहां से अपन बात करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, आप तो निश्चिंत रहो। देखो, इस चैनल का उद्देश्य क्या है, हमेशा यही रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। जिस तरह मैंने आपको संस्कृत में भी बताया वही चीजें फंसी है, ठीक है, हिंदी में भी मदद करी वही फंसी है। किसी के भरोसे मत रहो बेटा, अच्छे से पढ़ो। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं है, आपको सब बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ खास खास चीजें बता रहा हूँ, ऐसी चीजें बताऊंगा। देखो ठीक है भैया, हमारे पास जनता कम है यानी कि व्यूज हमारे पास भले ही कम है लेकिन जो आत्मविश्वास है उसमें कोई कमी नहीं है, है ना। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने, बस यही है। ax2 + bx + c एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यदि हम बात करें वास्तविक मूल नहीं होते तो b2 - 4ac जो है वो बड़ा रहेगा उससे बड़ा रहेगा 0। यानी यदि मान अपना अंत में -2 आए, -3 आए, ऐसा जब ऋणात्मक मान आएगा ना तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं एपी। यहां पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया है, a, b हो जाएगा। शंकु छिन्नक के दोनों सिरे जो होते हैं, शंकु छिन्नक के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप, इसको समझने के लिए आपको है ना एक, ये शंकु का एक छिन्नक है, ये है ना मेरे बाबू, ये एक शंकु का छिन्नक है, है ना, हो गया। यदि इसको भी यहाँ से मैं काट दूँ तो क्या बनेगा, दोनों ये छिन्नक बन गया है ना, ये शंकु था छिन्नक, ये भी गोल है और ये भी गोल है, तो दोनों सिरे कैसे हो गए, वृत्ताकार हो गए। सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना, हो गया इतना। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, विविक्तिकार जब धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का जाएगा थेल्सेवर में। साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण। टेन थीटा का जाएगा करनी 3, 10 मतलब 60 डिग्री का मान। और 1 - cos²θ साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos²θ। ये सर्वसमीकरण आपको जानते हैं, सर्वसमीकरण केवल 3 है, 3 ही में से एक तो फंसते ही फंसता है। sin²θ + cos²θ = 1, ठीक है यही है। और 1 + tan²θ बराबरी पर जाएगा sec²θ। और 1 + cos²θ cosec, 1 + cot²θ = cosec²θ। इन तीनों में से एक तो फंसते हो, तीन ही के आपके 3 बन जाते हैं, ये तो याद होगा आपको, है ना। नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, प्लेलिस्ट में मैंने पूरी चीज़ें डाल रखी है ना। ये देखो यहाँ से, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये ध्यान से देखना आपको, ठीक है भैया, हो गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी उधर का समझाया नहीं ना, है ना, ये एक वाक्य में उत्तर है। अब
चार और पाँच का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ कितना होगा, तो एक आएगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया आएगा आपका ए कोमा ए प्लस माइनस वन डी, ए प्लस माइनस टू डी, ए प्लस माइनस थ्री डी, इसी तरह आगे बढ़ाओगे तो ए प्लस माइनस फोर डी, इस तरह से चलता रहेगा। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, यदि मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे सॉरी बिंदु दूरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव एक होता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है ये, ठीक है। सत्य असत्य जाएगा तो यहाँ से देखेंगे इसका जो मान है वो यहाँ पर एक जीरो और एक है तो बिल्कुल राइट बात है। देखो एक्स बराबरी पे जीरो लिखोगे तो जीरो आ जाएगा, और एक्स माइनस वन है इसको बराबर को उधर लेके जाओगे तो प्लस का वन आ जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य बात है। मूल मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा चार कोमा छः। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान एक होता है, बिल्कुल राइट बात है। वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये फाइव अपन देख सकते हैं, ये यहाँ से हो गया है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स से, तो इन सबको मैंने अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना ये सारी चीज़ें ना। सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अपन आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सात हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आठ है आपका, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर नाइन आपका रहेगा, ठीक है। आप तो बिल्कुल तैयारी में कोई कमी मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, तंदे से गंदा मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ये नाइन का थुआ, ये क्वेश्चन नंबर टेन, ये इलेवन है, ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ये क्वेश्चन नंबर चौदह है, क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, ये बावन पत्ती वाली गड्डी को में से एक पत्ता निकाला है, फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला, ये देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना इतने महत्वपूर्ण है और आ रहे हैं, कंप्लीट करो आप, महत्वपूर्ण क्लब मत पढ़ो। ये जो कह रहे हैं ना लोग मेरे पास रियल है रियल, किसी अभी दो पेपर में अजमा लिया नहीं, उनको नहीं अजमाया, अभी भी नहीं अजमाया तो और अजमा लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाना चौथे में वीडियो, चौथे पेपर में इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात है ना। मैं ही कह दूँ कि मेरे पास रियल धरा तो क्यों धरा।